के बाद आपका स्वागत है डेरा सच्चा सौदा पर। आजकल पैसों की बरसात हो रही है। पिछले 3 दिनों के अंदर हरियाणा सरकार के 2 मंत्रियों और केंद्रीय खेल मंत्री ने डेरा को 91 लाख रुपए की मदद दी है। सबसे पहले डेरा के भीतर खेल को बढ़ावा देने के नाम पर हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया। अभी ये बवाल थमा ही नहीं था कि हरियाणा के एक और मंत्री मनीष ग्रोवर ने डेरा सच्चा सौदा पहुंचकर इस खेल के लीग के दौरान 11 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर डाला। इसी बीच केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने डेरे में स्टेडियम बनाने के लिए 30 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। इन तीनों बीजेपी नेताओं की ओर से दलील दी गई कि डेरा सच्चा सौदा लगातार खेलों को बढ़ावा दे रहा है और स्टेडियम बनाने के लिए ये रकम दी जा रही है। हालांकि विरोधियों का कहना है कि चुनाव के समय बीजेपी को डेरा की मदद के बदले किया जा रहा एहसान है। ये जो मामला है, ये मान करके चलो कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की आज मदद हो रही है जिनके खिलाफ 376 के 302 के मुकदमे हैं, उनको कैसे बचाया जा सके उसके लिए सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर खुले रूप से इनकी मदद करी थी।